सो गाइस फाइनली हमारा मॉनिटर भी आ चुका है, तो चलो सीधा हम डायरेक्ट पीसी बिल्ड करते हैं। नया मॉनिटर सब आ चुका है, तो चलो तो गाइस इधर हमारे पास ये है इंटेल का i5 कोर प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, फिर बाद में ये मदरबोर्ड, उसके साथ हमारे पास इधर है 8 GB का 16 GB रैम। और ये जो मॉनिटर हमारा खराब हुआ था, इसके लिए नया मॉनिटर लेना पड़ा। ये था हमारा ओल्ड प्रोसेसर मदरबोर्ड। ये हमारा इंटेल का पकड़ने लगा है, इंटेल 9th generation। ये हमारा नया मदरबोर्ड गीगाबाइट का। एकदम फ्रेश न्यू मदरबोर्ड। हमारा प्रोसेसर लग चुका है, प्रोसेसर का फैन झटपट करेंगे ओपन। ये का थर्मोकॉल नहीं निकला, आप इसका थर्मोकॉल निकालेंगे। ये रहा हमारा नया मॉनिटर, हमारा रेडी है। इधर हमने CPU बदला है, इधर 8 GB के 2 रैम, मतलब टोटल 16 GB। ये ग्राफिक कार्ड लगा है, तो ग्राफिक कार्ड आगे बदलना, क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड नहीं है गेमिंग और एडिटिंग के लिए, तो आगे देखेंगे। तब तक ले ये, और इधर हमारा नया मॉनिटर। हे गाइस, तो फाइनली पूरा पीसी हो गया, ये देख रहे होगा सब पूरा पुराना पीसी सब, अभी पूरा नया करवाया हमने। ये थोड़ा लाइट वाइट लगाया है, इधर तुम्हें दिख जाएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं। हे गाइस, सो ये था मेरा नया पीसी बिल्ड। एक्चुअली इसका प्राइस मैं तुम्हें बता दूंगा, इसका प्राइस एक्चुअली मेरा मॉनिटर की वजह से बढ़ गया है। हमने तो मॉनिटर लेना नहीं था मेरे को, लेकिन लास्ट मोमेंट पता नहीं मॉनिटर ने धोखा दिया, अचानक बंद हो गया वो चलना, तो मॉनिटर में हमें नया लेना पड़ा, इसी वजह से प्राइस थोड़ा बढ़ गया है इसका। तुम्हें लेना तो मॉनिटर इतना ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हें मॉनिटर चाहिए तो तुम ऐड कर सकते हो, नहीं तो अभी अच्छा मॉनिटर चेंज हो गया। आगे जाके मेरे को अभी सिर्फ ग्राफिक कार्ड चेंज करना, ग्राफिक कार्ड तुम्हें पता है बहुत लो है, इसमें ना कुछ गेमिंग होगा ना ही उतना खास एडिटिंग होगा। और दूसरा मैं सोचा कैबिनेट चेंज कर दूंगा, तो क्या कलरफुल अच्छा लुक दिखता है कैबिनेट में, फिर भी मैंने कलर एक थोड़ा फैन डाला है इसमें, ऐसा तुम देख सकते हो। तो फिर अभी बस इतना ही था, मेरा पीसी बिल्ड फाइनली हो गया है, तो अभी एडिटिंग सब आएगा अभी अच्छा। चलो